हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर। और फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सर्किट होने वाला है आज का और बहुत ही यूज़फुल सर्किट है आज का। तो फ्रेंड्स आप कोई भी अगर मोटर है उसको रेगुलेट करते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर कोई भी LED है या फिर कोई बल्ब है उसको आप रेगुलेट करना चाहते हैं, उसकी जो रोशनी है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, उसकी वोल्टेज और एम्पियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज की जो वीडियो है उसमें फ्रेंड्स बहुत ही कम कंपोनेंट लगने वाले हैं और उसका सर्किट डायग्राम भी मैं बनाने वाला हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स जो मैं सर्किट बनाने वाला हूँ वो सर्किट को हम प्रैक्टिकली करेंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद में जो सर्किट कैसे काम करता है वो भी समझेंगे फ्रेंड्स, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो कैसे है तो वो सब कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे वीडियो में। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं फ्रेंड्स सर्किट डायग्राम है वो आपको मैं बना देता हूँ और उसके बाद में फ्रेंड्स हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ क्योंकि ट्रांजिस्टर से ही फ्रेंड्स हम वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक मैं PNP ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ। आज हमेशा फ्रेंड्स हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया है तो आज हम PNP ट्रांजिस्टर पे काम करने वाले हैं कि PNP ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये एरो अंदर की तरफ होता है नेगेटिव यानी कि PNP में, और यहाँ इसका बेस होता है, यहाँ इसका कलेक्टर, यहाँ इसका मीटर, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है फ्रेंड्स TIP 32 और C। सी मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी वोल्टेज है, यहाँ पर अलग अलग नंबर से आते हैं तो यहाँ पर जो मैं सी ले रहा हूँ ये 100 वोल्ट तक काम कर सकता है, सपोर्ट करता है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आराम से ये 30-35 वोल्ट तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एम्पियर रहेगा फ्रेंड्स वो 3 एम्पियर तक रहता है, 3 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें 31 नंबर भी आता है यानी कि वो PNP के जगह वो NPN होता है, NPN होता है, वो होता है TIP 31 नंबर और सी। सी मतलब फ्रेंड्स 100 वोल्टेज का है और यहाँ हम ये आज का यूज़ कर रहे हैं वो TIP 32 यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों हैं वो 3 एम्पियर के ट्रांजिस्टर होते हैं, ये 3 एम्पियर पे काम करते हैं, 3 से 5 एम्पियर है, 5 इसका पीक एम्पियर होता है, तो 3 से है तो आराम से 2-3 एम्पियर तक यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल हमारी जो DC मोटर है या फिर हमारे जो LED वगैरह है उससे हम इसको आराम से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये एमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो यहाँ एक हम वेरिएबल जो पोटेंशियोमीटर आता है फ्रेंड्स वो हम लेते हैं और उसका सेंटर पॉइंट हम इसके बेस में मिला देते हैं यहाँ पर, और यहाँ इसके जो 2 पॉइंट हैं वो हम यहाँ लेते हैं और इसको सीधा, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो मीटर है यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट आए हैं फ्रेंड्स तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा फ्रेंड्स आउटपुट हो जाएगा, और इनपुट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं कलेक्टर के साथ और यहाँ इसका हो गया। तो ये फ्रेंड्स हो गया इनपुट, ये हो गया फ्रेंड्स इनपुट, तो ये तो फ्रेंड्स पॉजिटिव रहेगा आप देख सकते हो और यहाँ ये नेगेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो ये PNP है, तो यहाँ पर फ्रेंड पॉजिटिव तो हमारा देखो आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा सिंपल यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही ले लिया है, नेगेटिव है, नेगेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इस ट्रांजिस्टर से, क्योंकि ये NPN नहीं है PNP है, तो PNP में फ्रेंड्स हमें इसको नेगेटिव से इसको चलाना होता है यानी कि यहाँ के जो बेस है यहाँ पर इसको नेगेटिव सिग्नल देना होता है। तो फ्रेंड्स ये कैसे काम करता है वो भी अब समझेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सर्किट डायग्राम है जो हमारा बन चुका है और यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वेरिएबल रजिस्टर है वो मैं 100 किलो ओम का ले रहा हूँ। फ्रेंड्स सर्किट डायग्राम है वो हमने बना लिया है
और इसकी जो कार्य प्रणाली है यानी कि ये जो सर्किट है वो कैसे काम करता है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। और पहले हम इस पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ये जो हमारे जो हमने जो ये डायग्राम बनाया है वो काम करता है या नहीं करता है, और करता है तो कितना एक्यूरेट करता है, तो वो सब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आउटपुट रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो से रहेगा, यानी कि जीरो से, और हमारी जो वोल्टेज है यानी कि 12 वोल्ट है या जो 35 है, 35 वोल्ट तक या 35 या 40 वोल्ट तक आराम से यहाँ पर ये काम करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से ये जीरो से फ्रेंड्स 35 करता है। काफ़ी रेगुलेटर आते हैं, रेगुलेटर IC है, LM317 फ्रेंड्स वो भी आती है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ से जीरो से नहीं होता है, उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर 1.2 या 1 वोल्ट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ ये जीरो तक चला जाता है, यानी कि बिल्कुल जीरो से 0.123 यहाँ फ्रेंड बिल्कुल माइक्रो वोल्ट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। तो फ्रेंड्स अभी इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए फ्रेंड्स मैं ये जो ब्रेड बोर्ड है वो ले रहा हूँ, और इसके बाद में फ्रेंड्स ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ले रहा हूँ, और इसके बाद में फ्रेंड्स ये 100 किलो ओम का एक ये वेरिएबल रजिस्टर है वो मैं ले रहा हूँ। बस फ्रेंड्स हमारे ये जो दो कंपोनेंट हैं उससे ही आज का सर्किट है हम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ब्रेडबोर्ड पे इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके पिनआउट भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंड्स पिनआउट मैंने नहीं बताया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिनआउट है यहाँ पर मैं इस पर लिख देता हूँ पहले तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट पिन जो है वो बेस है, सेकंड नंबर जो कलेक्टर है, और थर्ड नंबर है पिन जो अमीटर है। यहाँ की ये फर्स्ट पिन, सेकंड और थर्ड, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये फर्स्ट पिन है वो इसकी बेस है, सेकंड है इसकी कलेक्टर, और थर्ड नंबर है अमीटर। तो फ्रेंड्स ये इसकी जो पिन डायग्राम है वो आप नेट पे भी देख सकते हो, और इसका जो ये जो डाटा शीट है उसमें आपका सर फ्रेंड्स इसकी जो सारी डिटेल्स है वो इसके डाटा शीट में मिल जाएगी। तो यहाँ हमने फ्रेंड्स इसको कोने पे लगा देना है, और यहाँ फ्रेंड्स जो आप देख सकते हो ये जो प्री सेट है इसका जो ये सेंटर का पॉइंट है ये वाला सेंटर का पॉइंट है, और ये जो दो हैं तो यहाँ पर ये जो लास्ट के जो होते हैं फ्रेंड्स ये फिक्स होते हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर है जो यहाँ पर जो रजिस्टर है वो वेरी करता है, तो आप देख सकते हो। तो ये पॉइंट है फ्रेंड्स ये बेस पे आएगा, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ये भी हमने यहाँ लगा दिया, और अब फ्रेंड्स इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर पिन इसकी बेस है, बेस की फ्रेंड्स जो पिन है वो हमारे ये जो रजिस्टर है इसके ये वेरी जो यहाँ पर ये घूमने वाला है वेरी करने वाला पॉइंट है इस पे जाएगा, यहाँ पर ये वाला वेरी वाला पॉइंट है, तो हम बेस को ये जो वेरी वाला पॉइंट है इस पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर बेस पे लगा दिया, और एक पॉइंट फ्रेंड्स जो कलेक्टर का है, कलेक्टर का या तो इस पॉइंट पे लगा दीजिए या इस पॉइंट पे लगा दीजिए, कोई से भी पॉइंट पे लगा सकते हैं। तो जो कलेक्टर का है फ्रेंड्स इसके कोई से भी पॉइंट पे हम लगा देंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये एक पॉइंट में ले रहा हूँ कलेक्टर का, और इसको इस वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कलेक्टर का जो पॉइंट है सेकेंड नंबर पिन जो है उसका एक पॉइंट यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा आप देख सकते हो कनेक्शन फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब हमें इनपुट और आउटपुट लेने हैं। आप देख सकते हो हमारा जो सर्किट है वो रेडी हो गया है, अब हमें फ्रेंड्स इनपुट और आउटपुट लेने हैं। तो आउटपुट और इनपुट का जो प्लस पॉइंट यानी कि जो पॉजिटिव है वो तो ये है, ये वाला है, यहाँ पर ही फ्रेंड्स इनपुट आएगा और यहीं हमें आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव। इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक और वायर ले रहा हूँ, और जो लास्ट का जो खाली है फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर के कोई से भी पॉइंट यहाँ पर इसमें नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी जो हमारा है ये वाला खाली है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें पॉजिटिव देना भी है और यहीं से हमें पॉजिटिव लेना है। तो वो फ्रेंड्स हमारा कॉमन हो जाएगा, हमारा जो पॉजिटिव है वो कॉमन हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये पॉजिटिव बना दिया है, और यहीं से ही फ्रेंड्स मैं एक पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ जिससे हमें यहाँ पर पॉइंट पे आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा ये फ्रेंड्स ये जो पॉजिटिव है तो मैं एक पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ जिससे हमें आउटपुट यहाँ मिल जाएगा,
और ये जो पिन है मेरी वो आराम से इजीली यहाँ से मैं ले सकता हूँ यहाँ का आउटपुट। तो पॉजिटिव फ्रेंड्स यहाँ आ गया। अब नेगेटिव का भी हम देख लेते हैं। तो नेगेटिव में फ्रेंड्स जो इनपुट है, इनपुट तो यहाँ पर रहेगा यानी कि इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो है वेरिएबल जो ये प्रीसेट है इसका यहाँ पर नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव। तो दो पॉइंट तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं आप देख सकते हो। ये हमारा इनपुट का सेक्शन हो गया। अब आउटपुट के लिए फ्रेंड्स एक पॉजिटिव हमने यहाँ ले लिया है और नेगेटिव फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव इसके अमीटर पे आएगा। अमीटर लास्ट की थर्ड वाली पिन है तो उसको मैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये ले लेता हूँ और थर्ड नंबर पिन जो है उस पर इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कनेक्शन हो गए हैं और यहाँ ये जो पिन है इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जिससे हमारा ये हमारा आउटपुट हो गया और ये हमारा इनपुट हो गया। तो फ्रेंड्स सर्किट पूरा हमारा रेडी है, डायग्राम हमने बना दिया है। अब फ्रेंड्स एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद में फ्रेंड्स ये डायग्राम है उसको भी समझेंगे कि काम कैसे कर रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सप्लाई के लिए एक 12 वोल्ट बैटरी है वो ले रहा हूँ। इसकी मैं वोल्टेज एक बार चेक करा देता हूँ कि वोल्टेज हमारी कितनी है बैटरी की। यहाँ पर फ्रेंड्स नेगेटिव और पॉजिटिव ये रहा और यहाँ आप देख सकते हो 11:27, 11:28 यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो बैटरी है फुल नहीं है, डिस्चार्ज ही है। तो यहाँ पर 11:27 है और हम देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारा आउटपुट है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो वाइट वाला हमने बताया था ये पॉजिटिव है जो कि यहाँ पर इसमें भी जा रहा है। तो पॉजिटिव को फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगा देते हैं बैटरी का पॉजिटिव और जो नेगेटिव है फ्रेंड्स यहाँ लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये है कि हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है कि हमारा जो सर्किट है वो चालू हो गया है कि नहीं हो गया है। तो यहाँ पर एक LED भी लगा सकते हैं जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा जो सर्किट है वो चालू हो गया है, बैटरी का कनेक्शन हो गया है, नहीं हो गया है। तो यहाँ एक LED लगा सकते हैं, उसका कनेक्शन भी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो गया है और यहाँ पर अब हम ये मीटर लगा देते हैं। हाँ फ्रेंड्स रेड में हम ये जो रेड है इसको लगा देते हैं और यहाँ एलिगेटर पिन जो है इससे मैं इसको लगा देता हूँ और ये जो ब्लैक वाला है ये हम लगा देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो जो वोल्टेज है वो आ गई है। अब फ्रेंड्स हम अगर यहाँ पर जो ये वेरिएबल जो रजिस्टर हमने लगाया है, प्रीसेट लगाया है, इसको फ्रेंड्स वेरी करने पर हमारे वोल्टेज हैं वो वेरी होंगे। तो यहाँ हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स ये इसका हाईएस्ट भी देख लेते हैं कि हाईएस्ट कितना आएगा। तो हाईएस्ट फ्रेंड्स ये है 10.85 यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी लॉस हुई है, 15 इसमें और 30 उसकी, यानी कि 30 और 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी 45 से 50 पॉइंट जो है हमारा कम आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी बैटरी है जो उसका वोल्टेज है और हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ आप देख सकते हो ये हर चीज़ में होता है फ्रेंड्स। आप कोई सा भी रेगुलेटर लेके आओगे, कंपनी का भी लेके आओगे या फिर ब्रांडेड भी लेके आओगे तो भी उसमें फ़र्क आएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ होती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत वोल्टेज का लॉस होता है, वही लॉस हमारा यहाँ पर हो रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ तो ये इसका हाई हो गया है, अब हम इसको जाते हैं लो पे। लो फ्रेंड्स कितना जाता है ये आप देखिए। तो यहाँ फ्रेंड्स अब ये है धीरे धीरे लो होने लगा है, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट। आप फ्रेंड्स को इतने कितने पे भी वोल्ट पे इसको रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो 1.5 वोल्ट आ गया। 1.5 वोल्ट से भी फ्रेंड्स अब हम और नीचे जाएंगे, जाते जाएंगे हम। अब हमारा आ गया फ्रेंड्स 1 वोल्ट आ गया। अब 1 वोल्ट से भी फ्रेंड्स हम इसको और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा और वोल्टेज नीचे जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 0.67 आ गया। अब हम इसको मिनी वोल्ट पे लेंगे तो मिनी वोल्ट पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर 700 है। 700 से भी और नीचे हम जाएंगे फ्रेंड्स हमारी वोल्टेज पे
500, 600 और नीचे जाएंगे फ्रेंड्स हम तो 400, 300 और नीचे 200, यहाँ आप देख सकते हो 100, और यहाँ आप देख सकते हो मिली वोल्ट पे, और हम और डाउन भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 47, ये आप देख सकते हो बिल्कुल लो वोल्टेज पे भी काम करता है, आप देख सकते हो बिल्कुल लो वोल्टेज पे भी काम करता है। यहाँ ये अब हाई होता चला जाएगा, अब ये इससे भी हाई हो गया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल लो वोल्टेज पे भी कुछ डिवाइस है, या फिर हम ट्रांजिस्टर को अगर हम चेक करना चाहें कि फ्रेंड्स जो उसका बेस पॉइंट है वो कितने पे चालू होगा कितने पे बंद होगा, तो उसको चेक करने के लिए कि फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है और कितने वोल्टेज पे फुल चालू होता है या बंद होता है, तो फ्रेंड्स ये जो बेस है बेस को चेक करने के लिए फ्रेंड्स ये जो हमारा सर्किट है वो काम कर सकता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ना केवल फ्रेंड्स हम इससे वोल्टेज रेगुलेटर करते हैं, यहाँ पर फ्रेंड ट्रांजिस्टर को भी हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स वो कितना ऑन होना चाहिए कितना ऑफ होना चाहिए वो सब चीज़ फ्रेंड्स हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा सर्किट है, लेकिन फ्रेंड्स इसी को ही अपग्रेड करके हम बड़े बड़े सर्किट हैं वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो सर्किट है वो एक्चुअल में काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम एक बार इस पे लोड लगा के देखते हैं कि लोड पे भी काम करता है कि नहीं करता है। लोड के लिए फ्रेंड्स मैं ये एक लोड बल्ब है 12 वोल्ट का वो मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको लगा देता हूँ। तो एक फ्रेंड्स इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो एक पॉइंट फ्रेंड्स हमने यहाँ लगा दिया और इसका दूसरा पॉइंट है वो हम पॉजिटिव में लगा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इस पे लगाया जो हमारा वोल्टेज है वो डाउन हो गया है, और हम हटाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है आप देख सकते हो 75, यानी कि 3 75 है। और 3 75 पे फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो जो हमारा बल्ब है वो काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो अब हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर 1.8 हो गया और हल्का सा ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्लो होने लग गया है। अब फ्रेंड्स हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स 9 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट पे हमारा जो बल्ब है वो चालू हो रहा है, 9 वोल्ट से कम है तो वहाँ पर फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब हमारा जो बल्ब है बहुत ही कम ग्लो कर रहा है। अब फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा और हम बढ़ाते हैं, इसकी जो रोशनी है उसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स कंट्रोल हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हो, तो जो फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लोड पे भी काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम इसको हटा देते हैं और हम समझते हैं कि इसका जो सर्किट है वो काम कैसे कर रहा है, जो ये सर्किट है काम एक्चुअल में कर कैसे रहा है। तो वो सब फ्रेंड्स हम यहाँ पर हम डायग्राम पे आते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो काम कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी यूट्यूब पे हमारा जो सर्किट है यहाँ पर ये सर्किट बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड्स ये जो सर्किट है वो काम कैसे करते हैं तो जो बेसिक्स होता है वो समझ में नहीं आता है, या फिर फ्रेंड्स यूट्यूबर समझाते ही नहीं है, बस ओनली डायग्राम बनाते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में फ्रेंड्स ये जो सर्किट है काम कैसे करते हैं वो चीज़ समझेंगे। हम इसके थ्योरी पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल पे ही रहेंगे हमेशा, और मैं प्रैक्टिकल पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, थ्योरी पे नहीं करता हूँ। मेरे सारे वीडियोस प्रैक्टिकल पे ज़्यादा होते हैं थ्योरी पे कम होते हैं। तो यहाँ पर भी हम फ्रेंड्स प्रैक्टिकल कर चुके हैं, थोड़ा सा हम थ्योरी बेस लेते हैं कि थ्योरी पर हम करते क्या हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ी इसकी समझ लेते हैं
कार्य प्रणाली यानी कि ये जो काम है वो कैसे करता है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में फ्रेंड्स हमें कुछ सिग्नल देना होता है और ट्रांजिस्टर जब सिग्नल यहाँ पर बेस पे मिलता है तो फ्रेंड्स यहाँ एमिटर और कलेक्टर है वो फ्रेंड्स एक तरह से यहाँ पर जो बैरियर होता है वो यहाँ पर ये मान के चलो फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्विच होता है कलेक्टर और अमीटर के बीच। तो यहाँ पर जैसे ही बेस पे कुछ वोल्टेज मिलते हैं तो वो जो स्विच है वो ऑन हो जाता है और कलेक्टर टू अमीटर जो भी हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लगता है। अब फ्रेंड्स यहाँ ये है, ये NPN नहीं है, ये PNP है। अब PNP और NPN में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो बेस है, बेस पे PNP में फ्रेंड्स नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ता है और जो NPN है उसमें पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर नाम में ही पता लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सेंटर है, जो सेंटर पिन यहाँ है सेंटर में, यहाँ पर N4 नेगेटिव हो गया यानी कि यहाँ पर हमें नेगेटिव देना होगा और जो PNP है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि जो PNP है उसमें पॉजिटिव सिग्नल देना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल देना होगा, नेगेटिव सिग्नल कहाँ मिलेगा? नेगेटिव सिग्नल हमें यहाँ से नेगेटिव सिग्नल मिलेगा। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो क्या रहा है ये चीज़ भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ये काम कैसे कर रहा है। अब फ्रेंड्स सीधा सा है कि अमीटर है, अमीटर पे हमें नेगेटिव यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव फ्रेंड्स हमने बेस सीधा से ले लिया क्योंकि पॉजिटिव पे हमारा जो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। अगर PNP होता तो हमें पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता और ये जो कलेक्टर है कलेक्टर का उल्टा सी यहाँ आ जाता और पॉजिटिव सिग्नल फ्रेंड्स कलेक्टर पे देना पड़ता और कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलता तो वो अलग सिग्नल हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स अब हमने आज PNP लिया है, PNP में हमें यहाँ पर नेगेटिव, अब यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव सिग्नल है वो यहाँ से आता हुआ और बेस पे चला जाएगा। अब बेस पे फ्रेंड्स जितना वोल्टेज यानी कि नेगेटिव सिग्नल है ज़्यादा आएगा तो हमारा जो ये यहाँ पर ये जो स्विच है फुल खुल जाएगा, ये एक नल की तरह काम करता है। मान के चलो अगर हम एक नल का एग्जांपल देते हैं या फिर जैसे एक ठूंठी होती है फ्रेंड्स, यह मान के चलो ये एक ठूंठी है तो या ये इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी बड़ी है। अब यहाँ पर जो पानी का फ्लो हो रहा है वो फुल हो रहा है यानी कि फुल, अब इसको कंट्रोल कर दिया, यहाँ पर एक नोजल लगा दिया फ्रेंड्स हमने छोटा। अब फ्रेंड जो पानी है वो कम आ रहा है यानी कि यहाँ पर जो कम है वो नोजल की तरह से है तो यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज कम आएगा, नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर कम आएगा तो वो नोजल एक तरह से बंद हो गया तो यहाँ पर जो फ्लो है नेगेटिव फ्लो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से जो नेगेटिव फ्लो है वो कम हो रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ हमने ये जो नेगेटिव है थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे कैसे फ्रेंड्स, ये जो रजिस्टर है रजिस्टर से इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव जैसे यहाँ इसके कम आएगा तो यहाँ आप देख सकते हो जो जो इसका रजिस्टर है रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, रजिस्टेंस जैसे कम होगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव सिग्नल है वो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही बेस पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो जैसे ही बढ़ेगी तो हमारा जो यहाँ पर एक तरह से नोजल है तो वो खुलता चला जाएगा यानी कि जो बेस है बेस पे ज़्यादा सिग्नल आएगा तो कलेक्टर टू एमिटर जो सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे ही बढ़ेगी तो फ्रेंड्स हमारा आउटपुट है उसमें भी फ्रेंड्स जो हमारा सिग्नल है वो बढ़ जाएगा, करंट है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये इसको वेरी करके यहाँ लेके आते हैं यानी कि 100K को फुल यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ देख सकते हो जो 100K का ये पूरा रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक 100 का है तो यहाँ से सीधा फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगा तो 100K यानी कि ये नेगेटिव पॉइंट है उस पे फ्रेंड्स 100K का पूरा रजिस्टर हो गया तो यानी कि यहाँ पर रजिस्टेंस जो है वो पूरा बढ़ गया है। बेस पे फ्रेंड्स जो नेगेटिव वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है, जैसे ही कम आएगी तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी कम मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है लेकिन फ्रेंड्स ये जो सर्किट है इससे जो हमारे सारे डिवाइस हैं और जो आप देख रहे हो कोई सा भी डिवाइस है वो इसी बेस पे काम करता है क्योंकि यहाँ पर जो बेस है उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल चार्जर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको फ्रेंड्स क्या करना होता है, जो बेस है बेस पे ही हमें वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बेस को कंट्रोल किया और हमने हमारा जो आउटपुट है वो मनपसंद कोई सा भी आउटपुट है हमने ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, इससे कुछ और आगे प्रोजेक्ट है वो भी हम बनाएंगे, कुछ और फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर है उसको भी हम यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद में ये जो सर्किट है और ट्रांजिस्टर पे हम प्रैक्टिकल करेंगे और मोसफेट पे भी प्रैक्टिकल करेंगे कि मोसफेट पे कैसे रेस्पॉन्स मिलता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप देखें और फ्रेंड्स
वो सब वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।